ये कहता है डायमेंशनल रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस का हमें फार्मूला निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इन द सर्किट इन टर्म ऑफ कैपिटल एम एल टाइम और करंट। अब देखो मास रहेगा, लेंथ रहेगा, टाइम रहेगा, करंट रहेगा, ये चारों वेरिएबल आएंगे रेजिस्टेंस में। एक्चुअली रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, या कैपिटल आई और आर। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो भी अपन आई लिखूंगा और मैं आई को कभी बदलूंगा नहीं यार, क्योंकि आई चाहिए मुझे, आर में आई चाहिए ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, तो मुझे भी को बदलना पड़ेगा। भी को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, एम एल टी के टर्म में, ठीक है। तो चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब पढ़े हो गया वोल्टेज बी इज इक्वल टू क्यू, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क डन, क्यू डेल्टा भी पढ़ के आए होंगे, तो भी इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू आ गया, ठीक है। अब जो वर्क है वो है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब जो क्यू है उसको अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला रखूंगा क्यू का, तो ए आ जाएगा, ए टी होता है चार्ज का, ए टी होता है, लेकिन ए तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ क्यू को मैं आई के टर्म में लिखूँ, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि आई हमें ज़रूरत है यार। तो करंट जो है, ये एक करंट चार्ज होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, क्योंकि करंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे होता है। इसको मैं ए ए नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की पावर टू और आई की पावर माइनस वन, ठीक है, और टी की पावर माइनस वन, ये आ गया इधर से। अगर ए आ गया इधर से तो यहाँ पे ले जाके हम ये सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ रख दो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एम, हाँ ये वाली वैल्यू ला के यहाँ रखो, एम एल स्क्वायर, और एक आई नीचे था तो ऊपर गया, आई की पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस वन, ठीक है। मतलब आई स्क्वायर एम, आई स्क्वायर सिर्फ एक ही है, आई स्क्वायर एम एल की स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री आएगा क्या यार, यहाँ लिटिल बी टाइम मिस्टेक हुआ। देखो तो यहाँ भी जो टी है वो टी ऊपर गया तो ये माइनस थ्री बनेगा, ये माइनस थ्री कहाँ गया भाई, टू टी, तो ये माइनस थ्री, ठीक है, तो ये टू आ गया माइनस थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो,